मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में भगवान नरसिंह की साधना होने जा रही है, जिसमें भगवान के 10 स्वरूपों का अनुष्ठान किया जाएगा। भगवान नरसिंह के 10 स्वरूपों की साधना मनुष्य के सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। इनकी कृपा से मनुष्य तेजी से तरक्की करता है, शत्रु पर विजय प्राप्त करता है, हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा जलन विघ्न संतोषियों से आपकी रक्षा होती है। भगवान नरसिंह चारों दिशाओं से शत्रु व तंत्र बाधाओं से आपकी सुरक्षा करते हैं। इसमें आपके सभी प्रकार के भय दूर हो जाते हैं। इसकी वजह से सभी तरह की आर्थिक अड़चनें दूर होकर धन वृद्धि के स्रोत बढ़ने शुरू हो जाते हैं। नौकरी, व्यापार, दुकान धंधे में तरक्की के साथ विवाद क्लेश नष्ट होकर पारिवारिक शांति मिलनी शुरू हो जाती है। इसमें भाग लेने के दो तरीके हैं। एक तो शिविर में आकर आप साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर फॉर्म भरकर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। इसमें आप किसी भी तरीके से सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा 80J के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चांदी के छल्ले की चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे चांदी के छल्ले का उपयोग सामान्यतः क्यों किया जाता है। चांदी के छल्ले की अगर बात करते हैं कि भाग्य को उदय करने वाला माना जाता है, सबसे ज्यादा लाभ चांदी के छल्ले से ही होता है आप कह सकते हैं। तो सोना क्या बुरा है, हीरा क्या बुरा है? हीरा कीमती है, अनमोल है, सोना कीमती है, अनमोल है, उसकी तुलना में चांदी का कीमत कुछ भी नहीं है, लेकिन लाभ वो सोने से और हीरे से कहीं ज्यादा देता है। चांदी आपके ग्रहों को बैलेंस करता है, चांदी आपके भाग्य को चमकाता है, ये चीज को याद रखें। तो पहले जान लेते हैं चांदी का उपयोग क्या क्या होता है। चांदी जो है, महिलाएं हैं लेफ्ट हाथ में पहने, बाएं हाथ में पहने, पुरुष हैं दाहिने हाथ में पहने, पहले तो ये आप ध्यान रखें। आप जानते हैं चांदी के उपयोग क्या क्या हैं और फिर जानने की कोशिश करेंगे कि इस चांदी के छल्ले को अभिमंत्रित चैतन्य कैसे करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी हमें जितना चाहिए उतना परिणाम हमें नहीं मिलता, तो उसका कारण भी हमारा भाग्य माना जाता है कि आप बेहिसाब मेहनत करते हैं लेकिन भाग्य सपोर्ट नहीं कर रहा है। और इसीलिए चांदी की चर्चा की जाती है कि भाग्य को बढ़ाए चमकाए तो चांदी धारण करना अनिवार्य है। चांदी जो है चंद्र का कारक माना जाता है और इसका उपयोग करने से मन शांत होता है, ये शुक्र के दोष को कम करता है। तो यानी अपोजिट सेक्स, शादी ब्याह, मनपसंद पार्टनर की प्राप्ति या मनमुटाव पार्टनर से हो रहा है तो चांदी का छल्ला आपको मदद करता है। आपकी कुंडली में अगर चंद्र दोष, शुक्र दोष, शनि, सूर्य, राहु और बुध का दोष है तो चांदी का छल्ला तो आपको पहनना अनिवार्य माना जाता है। इसको पहनने से राहु के दोष दूर होते हैं, मन शांत होता है, मस्तिष्क भी ठंडा रहता है और राहु के दोष दूर होने से क्रिएटिव दिमाग काम करना शुरू कर देता है। ये आपकी कुंडली में शुक्र को मजबूत करता है। शुक्र को मजबूत किया तो शुक्र जो है अपोजिट सेक्स का कारक होता है, ऑल काइंड ऑफ मटेरियल लाइफ जिसको कहते हैं भौतिक सुख का कारक माना जाता है, तो उसमें आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। जाहिर है कि चांदी बुध ग्रह के जो दोष हैं उसको भी ठीक करता है। इससे नौकरी धंधे में आपको बढ़ोतरी, इंटरव्यू में सफलता ये मिलना आसान हो जाता है। और जैसे ही चांदी शुक्र को ठीक करता है तो विवाहित जीवन में, दाम्पत्य जीवन में आने वाली अड़चने या आ रही हैं जो अड़चने वो ठीक होनी शुरू हो जाती है। कुछ लोग महिलाओं को पैर में चांदी पहनने की सलाह देते हैं, तो महिलाएं हैं अपने पैरों में भी चांदी पहन सकती हैं, तो उनको दो छल्ले होंगे जो दोनों पैर में पहनने होंगे। हाथ में पहनते हैं कोई चांदी का छल्ला या कोई अंगूठी तो जाहिर है बाएं हाथ में, पुरुष पहनेंगे तो दाहिने हाथ में। अब जानते हैं हम क्या करें, चांदी को चैतन्य कैसे करें। दुकान से आप चांदी का छल्ला ले लें, उसको पानी, कच्चे दूध पानी से धो लें, अपने सामने स्टील की थाली में रख लें और रखने के बाद सेम तरीके से ये मुद्रा लगाएं। ये मुद्रा लगाने के बाद आगे चक्र पर ध्यान दें, 10 बार आप प्राणायाम करें, यानी ऐसे
जितने देर तक हो सके रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें, इसके बाद दोबारा खींचें। ऐसे आप 10 बार प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र का जाप करना है, और 10 मिनट मंत्र का जाप करना है, और वो मंत्र होगा ओम ऐं श्रीं सोम सोमाय नमः, 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 ओम ऐं श्रीं सोम सोमाय नमः। मैं इस मंत्र को फिर से बोल रहा हूँ, ओम ऐं श्रीं सोम सोमाय नमः, ओम ऐं श्रीं सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का आप जाप करें, और बस 10 मिनट मंत्र का जाप करना है। इसमें किसी माला की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप मुद्रा लगाकर ये मंत्र का जाप करते हैं। तो आप 10 मिनट तक ये मंत्र का जाप करें, इसके बाद किसी को फल या भोजन का दान कर दें। उसके बाद जो रिंग है उसको आप अपने हाथ में पहन लें, बस। बाकी कोई अंगूठी नहीं रहेगी, चलेगा, लेकिन चांदी आप पहन लें। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका भाग्य प्रबल होता चला जा रहा है। आपकी कुंडली में जो दोष हैं वो उनका शमन होना शुरू हो गया है। उनका जो नकारात्मक प्रयोग है, नकारात्मक असर है, वो कम होता जा रहा है, ऐसा आप महसूस करेंगे। तो ये बहुत काम में आता है चांदी, और मेन है चांदी आपके मन को संतुलन देती रहती है। ये बहुत जरूरी चीज है, तो ये प्रयोग करें, आपको लाभ मिले थे, दूसरों की मदद करें। धन्यवाद। अमावस्या के दिन मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में विशेष पूजन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिन लोगों की कुंडली में पित्त दोष, मांगलिक दोष, चांडाल दोष, श्रापित दोष, शनि साढ़े साती, ग्रहण दोष, विष दोष हो, उन्हें ये पूजन में तो अवश्य भाग लेना चाहिए। आप इस शिविर में प्रत्यक्ष रूप में आकर या ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर फॉर्म भरकर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।